हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, उस पे बेस होके क्वेश्चन किए थे, एक दो क्वेश्चन किए थे, अभी भी वही करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज किया जाता है, जैसे यूट्यूब मैनोमीटर्स, तो यूट्यूब यूट्यूब जैसा होता है, यूज के जैसा होता है, इस तरीके से होता है। ऐसा ही होता है, हाँ ऐसा ही होता है, इस तरीके से होता है। इसमें मरकरी होता है, दिमाग कहीं और है, बता कहीं और रहा हूँ। इस तरीके से और इसमें, अच्छा पहले से हटा दो यहाँ से, इसमें मरकरी होता है। अब मरकरी का जो लेवल होगा दोनों लिम में सेम होगा, इनिशियली तो इसमें इसमें एकदम सेम ही होगा, ठीक है। अब मान लो यूट्यूब मैनोमीटर का जो यूज किया जाता है वो किसी बलून में कितना प्रेशर है ये पता करने के लिए, या किसी फ्लास्क है, क्लोज फ्लास्क है उसमें कितना प्रेशर है वो पता करने के लिए यूज किया जाता है। और जिसको पता करना होता है उसको इस एंड पे लगाया जाता है। जैसे मान लो एक बलून है जिसका तुम्हें प्रेशर पता करना है, तो उसको तुम यहां पे लगा दो, इसमें गैस भरी पड़ी है। अगर मान लो गैस का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, बाहर के प्रेशर से ज्यादा है, तो गैस इस हवा को धक्का मारेगी और इस मरकरी को इस लिम में ऊपर तक लेके जाएगी। और अगर गैस का प्रेशर कम है तो ये क्या करेगा, हवा को सक करेगा अपने तरफ ऐसे, तो फिर ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। तो प्रेशर ज्यादा है कम है ये भी बात समझ में आ जाती है। अब सपोज करो इस गैस का प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेयर से, तो क्या करेगा, इसमें मरकरी लेवल कम होगा और इसमें बढ़ेगा, इसमें जितना कम होगा इसमें उतना बढ़ेगा भी। तो क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें मान लो ये गैस ऊपर को चला गया मरकरी, और इसमें थोड़ा नीचे को आ गया। अब नीचे को आ गया तो मान लो, अब मैं मिटा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इधर से ना पूरा मिट जा रहा है, तो मान लो ये नीचे को आ गया, नीचे को आने के बाद यहां तक आया सपोज करो, और इतने का डिफरेंस क्रिएट हो गया मरकरी में, लेवल का डिफरेंस इतना आ गया, दिस इज एच। अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, तो मैं वही मरकरी की डेंसिटी रो एच जी मान लिया, मरकरी की डेंसिटी। अब यहां का प्रेशर क्या है, पी नॉट है, लिखेंगे पी नॉट, और जब नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो यहां से यहां तक प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो कितना हो जाएगा, एच रो जी, कैपिटल एच रो ऑफ मरकरी इंटू जी, एच रो जी। आगे यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर एग्जैक्टली सेम होगा, क्यों, क्योंकि इसको इसको कनेक्ट करने वाली लिक्विड देखो सेम है, तो यहां का प्रेशर यहां का प्रेशर सेम हो गया। अब यहां प्रेशर मिल गया, अब इधर एयर है तो इसके हर पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, एयर में तो हर पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, इसका मतलब यहां का जो प्रेशर आएगा, यहां का जो प्रेशर आएगा वो पी के बराबर हो गया, तो दिस इज द प्रेशर ऑफ दिस गैस। और इसको प्लस मतलब बता रहे कि प्रेशर पी नॉट से ज्यादा है। अब देखो इसको अगर मैं इधर भेज दूं, इधर भेज दूं, तो बनेगा एच रो जी पी माइनस पी नॉट, ठीक है।
तो कम से कम ये हाइट अगर मिल जाए, अगर ये हाइट मिल जाए, एच मिल जाए, अगर हाइट एच मिल जाए, तो बता सकते हो कि इसका प्रेशर और एटमॉस्फेयर के प्रेशर का डिफरेंस कितना है? पी माइनस पी नॉट, एच रो जी, एच रो जी, ये एच जी अलग से लिख लिया है मरकरी के डेंसिटी के नाम से। इसको बोलते हैं गेज प्रेशर, एक नाम देते हैं गेज प्रेशर, गेज नहीं गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर इज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन गैस एंड सराउंडिंग। तो गैस का प्रेशर और सराउंडिंग के प्रेशर का जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं गेज प्रेशर। तो इस लाइन को लिख लेना तुम अलग से कि गॉज प्रेशर इज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन गैस एंड सराउंडिंग। गॉज प्रेशर इज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन गैस एंड सराउंडिंग, गैस एंड सराउंडिंग, गैस और सराउंडिंग का प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। और इसको ठीक है, इसे नोट करने की जरूरत नहीं है, बस इसका मतलब तुम्हें समझना है। यूट्यूब मैनोमीटर का यूज क्या है, इसको लिख लो। इट इज यूज टू फाइंड प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ बलून और फ्लास्क। यूट्यूब मैनोमीटर इज यूज टू फाइंड प्रेशर ऑफ अ गैस इन बलून और फ्लास्क, बस इतना ध्यान रखें। ओके, अब बात करेंगे हम लोग बैरोमीटर का। बैरोमीटर, तो बैरोमीटर भी एक डिवाइस है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता करने के लिए होता है। तो मान लो एक फ्लास्क है, इसको इस तरीके से बनाया जाता है, इसे मरकरी होती है। और इस मरकरी में क्या करते हैं कि एक ट्यूब होता है, ट्यूब, अरे सिलिका ट्यूब होता है, सिलिका ट्यूब, उसको इसमें डिप किया जाता है, ठीक है। अब ट्यूब के अंदर ना वैक्यूम होता है, तो वैक्यूम का प्रेशर जीरो होता है। और यहाँ पे गैस, यहाँ पे मरकरी है, तो मरकरी का प्रेशर कुछ है, तो मरकरी ऊपर की ओर जाती है, कम प्रेशर की तरफ भागेगी मरकरी। तो कम प्रेशर की तरफ भागेगी मरकरी, तो मरकरी एक लेवल तक जाते जाते स्टेबल हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, ये स्टेबल हो गया, ठीक है। और इसको यहाँ पे वैक्यूम होता है, यहाँ पे वैक्यूम है। अब वैक्यूम का प्रेशर क्या होता है, जीरो, इधर रखेंगे, वैक्यूम का प्रेशर जीरो होता है। अब यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, और मान लो इसमें एच हाइट ऊपर गया, एच हाइट ऊपर गया, यहाँ का प्रेशर पी नॉट है, तो लिखोगे पी नॉट। और जो प्रेशर यहाँ का वही प्रेशर यहाँ का, क्यों, क्योंकि ये लेवल सेम है, तो यहाँ का पी नॉट, यहाँ का पी नॉट, और ऊपर आएगा तो प्रेशर घटेगा ना यहाँ तक, तो बनेगा क्या, माइनस एच रो ऑफ एच जी इंटू जी, एच रो जी, एच रो जी, आ गया यहाँ का प्रेशर, और ऊपर वैक्यूम है ना, तो वैक्यूम का प्रेशर क्या होगा, जीरो। इसलिए यहाँ से पी नॉट की वैल्यू क्या मिल गई, एच रो ऑफ एच जी इंटू जी, ये मिल गई प्रेशर, एंड दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब एक और चीज, ऊपर क्या होता है कि ये जो वैक्यूम है ना, चूंकि मरकरी है और कोई भी लिक्विड हर टेम्परेचर पे वेपराइज होता है, वेपराइज होता है, तो ये मरकरी का भी वेपर बनेगा, तो मरकरी के वेपर इस वैक्यूम में आ जाता है, तो वेपर का प्रेशर आ सकता है। तो अगर वेपर का प्रेशर आ गया, तो जो तुम यहां पे जीरो लिख रहे हो, यहां पे जीरो लिखोगे, तुम यहां का प्रेशर लिखोगे, तो इसको क्या लिखोगे, पी नॉट माइनस एच, मान लो एच वन आता, तो हाइट बदल जाती है ना, एच वन, एच वन रो ऑफ एच जी इंटू जी बराबर, दिस इज द पी वन इज द प्रेशर ऑफ वेपर, पी वन इज प्रेशर ऑफ वेपर, पी वन इज प्रेशर ऑफ वेपर, ये वेपर है, ठीक है, गुड। बट अच्छा, ऊपर जब प्रेशर आएगा ना वेपर का, तो ये जो हाइट आएगी एच वन इस एच से कम आएगी, अरे कुछ धक्का मार देगा नीचे को, नीचे को रह जाएगा। एक और चीज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है, अलग से तुम याद रखना, पी नॉट की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1.1 10^5 पास्कल, पास्कल होती है, या इसी को बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, चाहे पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोले, बात एक ही है, इतनी होती है। और इसको याद रखना है तुम्हें, अगर इसकी वैल्यू उठा के तुम यहां पर रख दो 1.1 10^5, और एच को एच रहने दो, और मरकरी की डेंसिटी तुम अलग से ध्यान रखना, दिस वन इज 13.6 10^3 m³ kg per meter cube होता है,
केजी पर मीटर क्यूब होता है। एच रो इंटू जी, जी इज 9.8। इसको सिंपलीफाई कर दो तो एच की वैल्यू आ जाएगी 0.76, इतनी आती है मीटर पर, जिसको हम लोग बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, मरकरी कॉलम ऐसा बोला जाता है, वाटर कॉलम नहीं, मरकरी कॉलम। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, अच्छा प्रेशर को मेजर करने का अब दो यूनिट हो गया, एक पास्कल और न्यूटन मीटर स्क्वायर, और एक मरकरी के कॉलम के लेंथ में मेजर किया जाता है कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम के बराबर यहां का प्रेशर है। इसका मतलब है कि अगर बैरोमीटर को यहां पर रख दिया जाए तो उसमें मरकरी 76 सेंटीमीटर ऊपर की हाइट तक चली जाएगी। एक और बात, बोर्ड वगैरह में पूछता है हाफ अर्ली एग्जाम वगैरह में, एनुअल एग्जाम में, कि यहां पे मरकरी ना यूज करके वाटर अगर यूज करते तो क्या हो जाता। तो वाटर की डेंसिटी होती है 10^3, 10^3 होती है, तो जब ये 13.6 यहां से हटा दोगे ना, हटा दोगे तो एच बढ़ जाएगा। एच कितना गुना बढ़ेगा, 13.6 टाइम्स बढ़ जाएगा अगर वाटर यूज कर लोगे तो। 13.6 टाइम्स मतलब क्या हो गया, देखो अगर 76 सेंटीमीटर है और इसको 13 मल्टीप्लाई कर दो तो देखो बहुत ज्यादा वैल्यू आ जाएगी। ये तुम्हें लग रहा है करीब कितनी है, 13.76 मिलीमीटर, 13 करीब 1 मीटर के आसपास हो जाएगा। तो इतना बड़ा 1 ही मीटर आएगा ना जी, 1 मीटर क्यों आएगा, ये तो 1 मीटर खुद ही है, 10 मीटर आ जाएगी। मल्टीप्लाई करो 0.76 × 13.6, 13 × 91 करीब 10 मीटर के आसपास हो जाएगी। तो अगर तुम वाटर रखोगे उसमें, अब पर्सनली के साइज अगर कम करते हो रखते हो तो 10 मीटर का लेवल समझ लो कितना, हैंडलिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए वाटर नहीं यूज किया जाता है, और उसका वेपराइजेशन भी बहुत ज्यादा होता है, तो ये यहाँ भी वेपर बहुत आ जाएगा, तो फिर ये एच भी सही वैल्यू नहीं दे पाएगी, इसीलिए वाटर नहीं यूज किया जाता है। तो वाटर नहीं यूज करने के पीछे एक मेन रीजन क्या है, कि सिंस डेंसिटी ऑफ वाटर इज 13.6 टाइम लेस देन दैट ऑफ मरकरी, सो इफ वी यूज वाटर एट प्लेस ऑफ मरकरी द लेंथ ऑफ वाटर इनसाइड ट्यूब विल बी अप्रोक्सीमेट 10 मीटर, जिसकी हैंडलिंग मुश्किल है, हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें। ओके, कुछ चीजें और मैं तुम्हें बता रहा हूं इसमें ध्यान रखने के लिए, इस तरीके से कभी तुमसे कोई ऐसा कहे, बड़ा स्पेशल चीज है जिससे तुम्हें ध्यान रखना, बैरोमीटर हो चाहे कोई भी चीज हो, तो बैरोमीटर लगा दिया, अच्छा लगा दिया, ऐसे बना दिया, और ये मरकरी, अब ये हाइट है, ये दे दे सपोज करो 10 सेंटीमीटर, मरकरी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट जो है वो 76 सेंटीमीटर है ऑफ मरकरी है, डिफॉल्ट कैसे मरकरी मानोगे, पूछता है फाइंड प्रेशर ऑफ मरकरी वेपर, मरकरी वेपर का प्रेशर बताइए, तो तुम क्या करोगे, वही इस टर्म से खेल, यहां का प्रेशर क्या पी नॉट, तो पी नॉट इज इक्वल टू, अच्छा पी नॉट में क्या जोड़ोगे, यहाँ का प्रेशर पी नॉट है, ऊपर का प्रेशर घटेगा ना, तो माइनस एच रो जी, और एच की जगह पे क्या लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर, एच रो जी, पी नॉट यहाँ का प्रेशर, यहाँ का ऊपर जाएंगे तो घटाएंगे एच रो जी, और आ गया यहाँ का प्रेशर दैट इज पी, आंसर विल बी दिस वन। अब पी नॉट 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है ना, तो कोई पूछे कि इसको बदलो न्यूटन मीटर स्क्वायर में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो इसी जगह क्या लिखोगे, 76 है, 0.76 इंटू रो ऑफ एच जी इंटू जी लिखोगे इसको, ये सेंटीमीटर में है ना, इसी को तुम अगर लिखो मरकरी में तो तुम इतना लिखोगे, ठीक है, फिर -0.1 इसको ऐसे लिख लो बराबर पी, यहां से जब पता पॉइंट इज कॉमन निकाल लो, 0.76 -0.1, अब कॉमन पता क्या रहा है,
रो एच जी इंटू जी आ रहा है, पी आ गया। पता है इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो ठीक है, लेकिन अगर वो इसका प्रेशर अगर तुम मरकरी के टाइम में मोलना चाहो, मरकरी के टाइम में वेपर का प्रेशर, वेपर का प्रेशर मरकरी के टाइम में, तो क्या करना है 76 में से 0.1 को ही तो घटाना है। तो ये वैल्यू आ कितनी दी, कितना सेंटीमीटर आएगा, दैट इज 66 सेंटीमीटर आएगा, इतना सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब इसको ऐसे ना ऐड करके ना लेंथ के ही टर्म में ऐड कर दो, तभी भी हो जाए। जैसे यहां का प्रेशर हम कैसे लिखते हैं, इसको दूसरे टर्म में ऐसे लिखता है, यहां का प्रेशर पी नॉट, पी नॉट के प्रेशर 76 लिखो, ऐसे 76 आगे यहां पे, फिर वही प्रेशर आएगा, फिर ऊपर आएंगे तो प्रेशर घटेगा कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर घटा दिए, आ गया कहाँ का, यहाँ का प्रेशर पी। तो आंसर इज 66 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, एंड दिस इज आंसर। अगर क्वेश्चन को बोलता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर के टर्म में बताइए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे डेंसिटी लिक्विड की मरकरी कर दीजिए, जी की वैल्यू रख दीजिए, आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल के टर्म में। लेकिन कोई पूछे कि नहीं हमें मरकरी के लेंथ के टर्म में चाहिए, तो फिर लेंथ के टर्म में घटा बढ़ा दो, इतना क्या सोचा, ऊपर जाओगे तो बढ़ा, ऊपर जाओगे तो घटेगा, नीचे जाएगा तो बढ़ेगा, लेंथ के टर्म में बढ़ा दो, घटा दो बढ़ा दो। ओके, अब इस पे बेसिक कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो ये बैरोमीटर है, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्वेश्चन में दिया गया है, पी नॉट इज 76 सेंटीमीटर, और ये जो लेंथ है दिस वन इज 50 सेंटीमीटर, इसको 76 से 75 लिख लो, पता है क्यों, कैलकुलेशन के लिए, ये 75 सेंटीमीटर है ठीक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये 50 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसमें कुछ गैस होगी तभी जाके 50 सेंटीमीटर है, अदरवाइज 75 नहीं हो जाता। अब तुमने क्या किया कि इसको नीचे को प्रेस किया, इसको जब नीचे को तुम प्रेस करोगे ना, सपोज बैरोमीटर इज प्रेस्ड बाई 10 सेंटीमीटर मोर इनसाइड मरकरी, देन फाइंड, और ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ है धारक ना, ये तो 50 सेंटीमीटर मरकरी है, मरकरी है धारक, और ये जो लेंथ दिया गया है सपोज करो 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड न्यू लेंथ ऑफ गैस। सुनना क्या, एक ट्यूब था, यू ट्यूब था, यू ट्यूब कर रहा हूं, एक ट्यूब था जिसका टोटल लेंथ 50 सेंटीमीटर, 50 अभी 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर है, उससे 50 सेंटीमीटर मरकरी है और 20 सेंटीमीटर गैस है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 75 सेंटीमीटर है। अब तुमने क्या किया, इस ट्यूब को नीचे को प्रेस किया, कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर प्रेस किया, तो बताइए इस गैस का लेंथ कितना बचेगा इस? तो जब तुम इसको प्रेस करोगे ना, इस ट्यूब को जब प्रेस करोगे, तो ये जो मरकरी है ना, ये थोड़ा और ऊपर कर जाएगा, लेकिन 10 सेंटीमीटर ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि जब इस मरकरी को ऊपर लेके जाओगे ना, तो अंदर का गैस का वॉल्यूम कम होगा, तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो उतना ऊपर नहीं आने देगा जितना ये ट्यूब जितना नीचे लेकर गए हो, उतना ऊपर वो मरकरी नहीं जा पाएगी, क्योंकि ऊपर का गैस का वॉल्यूम कम होगा, तो वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो जब मरकरी उसको दबा देगा, दब जाओ नीचे, दब जाओ, तो कंफर्म है मरकरी जाएगी तो जरूर ऊपर, लेकिन 10 सेंटीमीटर ऊपर नहीं जाएगी। इसका मतलब कि जो लेंथ कॉलम है, जो 10 सेंटीमीटर आना चाहिए था 20 से 10 घटने के बाद, वो 10 नहीं आएगी, 10 से ज्यादा रहेगी, क्योंकि ये 10 ऊपर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऊपर का प्रेशर बढ़ेगा। तो आंसर हर हाल में क्या आना चाहिए, 10 से ज्यादा आना चाहिए। अब इसे कैलकुलेट करना है, तुम क्वेश्चन समझ गए होगे कि एक ट्यूब है इसमें 50 सेंटीमीटर मरकरी है, ये 20 सेंटीमीटर लेंथ है इसका, ये गैस है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 75 सेंटीमीटर है। अब आपने इस ट्यूब को प्रेस किया कितना, 10 सेंटीमीटर, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो गैस है अब उसका कितना लेंथ बचा रहेगा। चलो तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो टेम्परेचर तो सेम है इस गैस का, जो पहले था वही बात था, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस बोला जाता है, तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है P1V1 = P2V2, आइसोथर्मल प्रोसेस का। ट्यूब के अंदर एक प्रेस, हल्का सा प्रेस कर दोगे, छोड़ दोगे तो क्या टेम्परेचर बढ़ गया क्या गैस का, हाथ जल जाएगा, कुछ नहीं जलता है तो।
गिलास को पानी में से डुबाना है, ऐसे हल्का से डुबा देना, अगर अच्छा मेरा हाथ जल गया, क्यों जलेगा, गैस का प्रेशर घट गया इसलिए, नहीं गैस का वॉल्यूम घटा इसलिए, टेम्परेचर बढ़ गया, अरे कुछ नहीं, आइसोथर्मल होता है, क्योंकि ये जो ट्यूब होता है ना, ये जो ट्यूब होता है ये एडियाबेटिक ट्यूब नहीं होता है, तो क्या होता है, हीट ट्रांसफर हो जाता है अंदर से बाहर, जिससे टेम्परेचर घट के पहले के बराबर हो जाता है, तो दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हम P1 भी और P2 भी यूज करें, तो इसके हमेशा जब भी कहेगा बैरोमीटर को नीचे पर किया या ऊपर पर किया, हमेशा P1 भी और P2 भी, हमेशा। बात करते हैं P1 की, P1 इनिशियल प्रेशर है, इस गैस का इनिशियल प्रेशर कितना होगा, देखो P1 की वैल्यू आनी चाहिए 75 - 50 आएगा, क्यों भाई, यहाँ का प्रेशर 75 है, यहाँ का भी 75 होगा, अब 50 मरकरी का लेंथ है कारखाना, 50 ऊपर जाओगे मरकरी में, तो मरकरी ना 50 घटा है, ये 75 सेंटीमीटर मरकरी तो है, मरकरी है, तो उसमें से 50 घटा दो, आ गया यहाँ का प्रेशर कितना 25 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये मरकरी का प्रेशर है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो मरकरी का प्रेशर आ गया 25 सेंटीमीटर, अब वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम के लिए इसका एरिया, ये वॉल्यूम जो आएगा इसका V1, दैट विल बी एरिया इनटू लेंथ 20 सेंटीमीटर, 20 का रखो सब कट जाएगा, तो इस एरिया को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया इसका वॉल्यूम। अब बात करेंगे P2, P2 नहीं पता द प्रॉब्लम, का बात नहीं, जिंदगी अजीब। अच्छा जी ठीक है, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे, इसको तुम नीचे को डुबा दिया, कितना नीचे को डुबाए हो, तो 10 सेंटीमीटर, टोटल कितना लेंथ था, 70 सेंटीमीटर था, टोटल 70 सेंटीमीटर था, और 10 सेंटीमीटर नीचे चला गया, तो ऊपर टोटल कितना बचा, ये 50 - 20 - 70 होता है ना, तो ये बचा 60, 60 में कुछ क्या होगा, मरकरी होगा, मुझे नहीं पता मरकरी कितनी है, एयर का कॉलम का लेंथ अपने मन से एक्स मान लिया, एक्स मान लिया, तो ये लेंथ कितना होगा बता सकते हो, दिस विल बी 60 - x, समझ सकते हो क्या कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, जेई मेंस एडवांस में खूब पूछे गए क्वेश्चन में से हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, तो ये 60, ये 10, और मान लिया एक्स एयर है, एयर का लेंथ है, तो मरकरी का लेंथ क्या होगा, 60 - x, भाई 60 है ना, एक्स ही तो 60 - x। अब आते हैं, अब इस गैस का प्रेशर P2 कैसे निकालोगे, यहाँ का प्रेशर, हवा का प्रेशर हमेशा 75 रहेगा, तो यहाँ का प्रेशर 75, तो तुम लिखोगे 75 यहाँ का प्रेशर, यहाँ का भी वही रहेगा सिमिलर लेवल पे, ऊपर का प्रेशर घटेगा, कितना घटेगा, 60 - x ना मरकरी, उतना घटा दो, तो -60 - x घटा दो, आ गया ऊपर यहाँ का, ये आ गया यहाँ का प्रेशर, दैट इज P2, तो यहाँ का प्रेशर 75, यहाँ का भी 75, ऊपर आके प्रेशर घटेगा 60 - x, घटा दिया और आ गया यहाँ पे, दैट इज P2, तो यहाँ से P2 की वैल्यू क्या आ गई, 75 में से 60 घटा दो, दैट इज 15, 15, इतना गया 15 x, तो P2 मिल गया आपको, गुड। अच्छा हमेशा ना गुड बोला करो, खुद में कॉन्फिडेंस आता है। वॉल्यूम क्या आएगा, क्रॉस सेक्शन इसका कितना, ए है और लेंथ एक्स है ना, गैस का लेंथ एक्स है, तो कितना हो जाएगा ये, ए इंटू एक्स हो जाएगा, बोलो अब लगा दो P1, V1, P1 कितना है 25, V2 के V1 कितना है, ए इंटू 20, डायमेंशन यूनिट एडजस्ट हो जाता है, ये P2 कितना है 15 + x, x सेंटीमीटर में आएगा, ये AX, रख दो बोलो यहाँ पे, ए से कट गया, ये कितना आ गया देखो 500, ये कितना आएगा 15 x + x² नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे जो आएगा x की पॉजिटिव वैल्यू जो आएगी, पॉजिटिव वैल्यू वही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा, और एक ही रूट है, और ये x किससे कम आना चाहिए, V1 क्या एक बार ना क्वाड्रेटिक कैलकुलेट कर सकते हो क्या, जल्दी से करो ना कैलकुलेट, अच्छा मीटिंग अपने आप ही खत्म होगी, तुरंत ज्वाइन भी कर लेना, इस क्वाड्रेटिक को पहले कैलकुलेट करते हैं, देखो प्रूफ करना है कि ये वैल्यू 20 से कम होगी, 10 से ज्यादा होगी, तो ये कितना आएगा x² + 15x - 500 = 0, तो x क्या आएगा -b, प्लस माइनस लेंगे नहीं, √b का स्क्वायर,
माइनस फोर ए सी, फोर का मतलब ये 4AC 2000 डिवाइड बाई 2A, बस तो ये कैलकुलेट कर रहे ना आएगा, ये हर हाल में किससे ज्यादा होगा, 10 से ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, जो भी होगा आंसर सर, ठीक है। V1 में 20 किया है सर। ना हम लोग बात कर रहे हैं पास्कल का नियम, ये तुमने पढ़ा होगा बचपन में, पास्कल का नियम। पास्कल का नियम ये कहता है कि मान लो कोई इसमें गैस भरी पड़ी है, पहले रूल है बताता हूँ, गैस भरी पड़ी है। अब यहां पे एक पॉइंट वन है, यहां पे एक पॉइंट टू है, यहां पे एक पॉइंट थ्री है, और यहां पे एक पॉइंट फोर है, और यहां पे एक पॉइंट फाइव है। अगर तुम कहीं भी प्रेशर इंक्रीज करते हो, मान लो तुम पॉइंट वन पे प्रेशर इंक्रीज करते हो, यहां को प्रेस करते हो, यहां पे प्रेस करके एक्स्ट्रा प्रेशर यहां पे डेल्टा पी बढ़ाते हो, तो तुम पाते हो कि अगर एक जगह तुमने प्रेशर बढ़ाया है तो यहां पे भी, आई पहले से इक्विलिब्रियम में था, पहले से इक्विलिब्रियम में था, अब तुमने एक जगह प्रेशर इंक्रीज किया, तो फिर हर जगह प्रेशर, यहां का भी प्रेशर डेल्टा पी राइज करेगा, यहां का भी प्रेशर डेल्टा पी राइज करेगा, सब राइज करेगा। अगर यहां पे डेल्टा पी राइज किया है तो फिर हर जगह डेल्टा पी राइज करेगा, यहां पे भी और यहां पे भी, हर जगह डेल्टा पी राइज करेगा। एक जगह तुमने राइज किया तो वो राइज हर जगह होगा। यही पास्कल का रूल है कि अगर किसी गैस में किसी एक पॉइंट पे तुम प्रेशर इंक्रीज करते हो तो जितना प्रेशर तुम इंक्रीज करते हो वो इंक्रीज थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द गैस या लिक्विड विल बी सेम, सरफेस पे या लिक्विड के अंदर हर जगह राइज विल बी सेम। तो इसको लिख लो स्टेटमेंट की तरह से कि व्हेन प्रेशर एट अ पॉइंट, व्हेन प्रेशर एट अ पॉइंट इज इंक्रीजेस, व्हेन प्रेशर एट अ पॉइंट इज इंक्रीजेस बाई डेल्टा पी यूनिट, बाई डेल्टा पी यूनिट, देन थ्रू आउट द लिक्विड, देन थ्रू आउट द लिक्विड एट ईच पॉइंट, एट ईच पॉइंट प्रेशर विल बी इंक्रीज बाई सेम वैल्यू, प्रेशर विल बी इंक्रीज बाई सेम वैल्यू। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, अब देखो सर लिक्विड के बाद एक और बोलिए। भूल गया, इंग्लिश का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस तरीके से एक पाइप है, ऐसे एक पाइप है, सिलेंडर पाइप है, एक ऐसा इधर क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, फिर इधर ऐसे आके फिर इधर क्रॉस सेक्शन कम, हाइड्रोलिक जैक, इसमें पानी भरा पड़ा है या ऑयल है जो भी है, और यहाँ के रेडियस स्मॉलर और यहाँ के रेडियस 10R, 10 टाइम ज्यादा है। तो अब ये पिस्टन है, सपोज करो ये पिस्टन है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे पहले से। अब तुम एक्स्ट्रा इसके ऊपर रखने जा रहे हो, यहां पे फोर्स लगाने जा रहे हो, यहां पे फोर्स लगाओगे दैट इज कैपिटल एफ। अब कह रहा क्वेश्चन में कि और यहां पे एक तुमने जीप रख दी है, जीप मतलब गाड़ी अपनी, जिसका वेट है 100 kg। तो मैं ये चाहता हूं कि इस फोर्स की अमाउंट कितना हो ताकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे पड़ा रहे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड कैपिटल एफ सो दैट कार विल बी इन इक्विलिब्रियम, निकलूंगी। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या होगा, अब यहां पे इसको रखोगे तो यहां का वेट बढ़ेगा, इसके वेट से यहां पे वेट तो दोनों जगह बढ़ा है ना, वेट करो प्रेशर दोनों जगह बढ़ा है, तो यहां का प्रेशर निकाल लो कितना इंक्रीज किया और यहां का प्रेशर कितना इंक्रीज किया, वो दोनों इंक्रीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
प्रेशर का इंक्रीज हर जगह सेम होता है, और प्रेशर के इंक्रीज के लिए तुम सिर्फ इसकी एबीडी से काम चला सकते हो और इसकी एबीडी से अलग से भी काम चला सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। तो अगर मैं पूछूं कि ये पिस्टन की यहाँ पे एबीडी बनाता हूँ, पिस्टन की यहाँ पे एबीडी बनाता हूँ, ये जो फोर्स अलग से लगाए हो तो वो यहाँ का प्रेशर बढ़ाएगा ना। मैं इधर सोच ही रहा हूँ, जब मैं यहाँ की स्टडी कर रहा हूँ तो बाकी मैं क्यों सोचूं क्या हो रहा है। एबीडी बनाने की किसी ने मना थोड़ी किया, तो एबीडी नहीं बना सकते, तो मैं एबीडी बनाने जा रहा हूँ, ये जो है इसकी एबीडी बनाऊंगा। ओके गुड, नीचे तो लिक्विड है। हाँ यार ठीक है, नीचे लिक्विड है, बाकी इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है, एबीडी में यहां बना रहा हूं और ये एक्स्ट्रा फोर्स दिखा रहा हूं, बाकी इसका एमजी एटमॉस्फेयर प्रेशर इसलिए दिखाया क्योंकि क्या होगा ना, एक्चुअली में जब ये एफ नहीं लगाए होगे तब क्या हुआ होगा, सच्चाई ये है कि ऐसे बना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स पी नॉट इंटू एरिया, इसका वेट एम जी, और ये जो लिक्विड होगा उसका भी कुछ प्रेशर होगा ऊपर की ओर, दैट इज पी इंटू ए। शुरू में इक्वेरियम बैलेंस हो गया, तो क्या लिखोगे इक्वेशन इसका, पी ए बराबर एम जी नीचे पी नॉट ए नीचे, तो पी नॉट इंटू ए प्लस एम जी, शुरू में ये इक्वेशन होल्ड करेगा। अब तुमने अलग से यहां पे फोर्स लगा दिया, अलग से एक और फोर्स एफ लगा दिया, तब लगा दिया तो क्या हो गया, ये वाला एम जी तो वही रहेगा, ये पी नॉट इंटू ए तो चेंज हो नहीं सकता एटमॉस्फियर। हाँ ये पी ए जो है ना ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, जितना ये फोर्स लगाए हो इसी की वजह से जो प्रेशर डेवलप हुआ है उतना ही तो पी और इंक्रीज कर जाएगा ताकि इस एफ को रोका जा सके। तो कोई पूछे यहां का प्रेशर कितना इंक्रीज किया, तुम क्या कहोगे, सर ये जो इंक्रीज होना चाहिए वो एफ अपान एरिया होना चाहिए, यहाँ का एरिया, रेडियस आर है तो क्या लिखोगे पाई आर स्क्वायर। गुड, ये तो यहाँ का प्रेशर इंक्रीज आ गया, अब बात करेंगे यहाँ का प्रेशर इंक्रीज क्या, तो जैसे यहाँ वैसे यहाँ सोच लेंगे, यहाँ का प्रेशर इंक्रीज किसके वजह से होगा, इसके वजह से होगा, तो 100 g एंड डिवाइड बाई यहाँ का एरिया, जब मैं यहाँ की बात करूंगा तो वहां को भूल जाऊंगा, यहाँ की बात करूंगा वहां को भूल जाऊंगा, ये जरूरी है, एकदम जरूरी है। ठीक है, जब तुम पापा से बात करते हो तो मम्मी से बात मत करो, मम्मी से बात करते हो तो पापा से बात मत करो, अदरवाइज कंफ्यूज जाओगे कि किससे बात करें, एक टाइम पे एक से बात करो ताकि सबकी बात सही से सुन सको। तो यहाँ के लिए क्या लिखोगे पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर की जगह पे 10 r² ठीक है, अरे सबसे बात कर सकते हो, पाई से पाई कटेगा, आर से आर भी कट जाएगा बेटा, यहां से एफ की वैल्यू क्या आएगी, नीचे 100 है 100 डिवाइड कर देगा, दिस इज जी, मतलब 10 N का फोर्स लगाओगे ये रुका रहेगा, सोचो 100 kg क्या है, और इसको केजीएफ में वैल्यू पता क्या होगी, 1 kgf, मतलब 100 kg का रख रहे हो, इधर 1 kg का ना वेट रख दोगे वो वहां पर टंगाया रहेगा वैसे ही आराम से रहेगा, रियल में देखो, इसीलिए फिजिक्स सीखो और तुम्हें मौका मिले ना, भगवान करे ऐसा हो जाए। तो यहाँ पे 1 kg का मैंने रखा, इतना आ गया, इसका तो आंसर आ गया एफ की भी, इसका आंसर क्या दोगे एफ फोर्स है, तो आंसर इज 10 N या 1 kg, अब दोनों में से कुछ भी लिखो, बात एक। अब बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, इसका सेकेंड क्वेश्चन ये आता है, इसमें ये भी पूछता है कि सपोज करो इस फोर्स पे इक्विलिब्रियम पे है, अब इस फोर्स को हल्का सा बढ़ा दी, एकदम नाम मात्र का, मतलब बहुत कम बढ़ाया, बढ़ाया ना तभी भी तो बढ़ाया, उस बढ़ने की वजह से तुमने क्या किया, इसको 10 cm नीचे लेकर आया, 10 cm नीचे लेकर आया, तो पूछता है कि ये कितना ऊपर मूव करेगा, ये क्वेश्चन है, फाइंड एक्स, एक्स भी बताइए ये कितना आएगा, तो ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम लगता है, एनर्जी कंजर्वेशन की बात की जाती है, ये फोर्स जितना वर्क करेगा वो वर्क इस की पोटेंशियल जी बढ़ाएगा, या इसका जो एमजी है उसकी अंगेस्ट खत्म होगा स्लोली, धीरे बढ़ रहा धीरे धीरे, फिर धीरे 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 धीरे, नेट बड़ा 0 होना चाहिए, तो ये जितना वर्क करेगा इसका एमजी किधर है, इसका एमजी नीचे 100 g, और इसका एमजी कितना, इसका फोर्स तो एफ है, तो ये अगर नीचे आ रहा है तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि लिक्विड है ना, लिक्विड का वॉल्यूम कंजर्व है,
ये ऐसे आएगा तो बिल्कुल। गुड, तो क्या करूंगा, ये फोर्स जितना वर्क करेगा पॉजिटिव, ये वाला 100 G उतना ही नेगेटिव वर्क करेगा ताकि एनर्जी कंजर्व हो। तो इसके लिए एनर्जी का एडजस्टमेंट आता है। इस फोर्स का वर्क क्या लिखेंगे, एफ इंटू 10 सेंटीमीटर, तो 0.1, और इसका वर्क -100 G इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से एफ की एफ कितना था क्वेश्चन में, 10 न्यूटन उठा के अपन, तो 10 जब यहां रखोगे तो 1 हो जाएगा, 1 बराबर 100 मतलब 1000 एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/1000 मीटर। तो सेंटीमीटर में कितना आ गया, तो सब मल्टीप्लाई कर दो, इट इज 0.1 सेंटीमीटर। देख लो, मतलब ये 10 सेंटीमीटर भाग रहा है ना, तो 1 मिलीमीटर भाग रहा है। तो देखो कहीं से कहीं एक जगह फायदा मिल गया उसका। तो एनर्जी कंजर्वेशन स्टिल वैलिड है। तो वहां पे पता क्या लग रहा था, अरे यार इतना कम फोर्स लाया कि हम इतना बड़ी चीज को रोके पड़े हैं, बट इसको उठाना होगा तो इसको ज्यादा प्रेस करना पड़ेगा तो कम उठेगा। ये फोर्स बस रोकने बस काम आया था। यही बात हाइड्रोलिक जैक में भी होता है, जब कार को तुम उठाते हो देखो बार बार ऐसा करते हो, कार धीरे धीरे, क्यों, क्योंकि तुम फोर्स कम लगा रहे होते हो, कार का वेट ज्यादा होता है तो तुम्हें ज्यादा डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा ना, ताकि वगड़न आए और ज्यादा वगड़न आएगा तब थोड़ा सा उठेगा। तो फोर्स कम, फोर्स की वजह से प्रेशर ने रोक दिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट देना था कार को, तुम्हें ज्यादा वर्क करना, ज्यादा वर्क नहीं तुम्हें ज्यादा डिस्प्लेसमेंट देना पड़ा क्योंकि तुम फोर्स कम लगा रहे हो, वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है इसलिए वो कम डिस्प्लेसमेंट पाया है। तो हाइड्रोलिक जैक इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है। कोई डाउट हो तो बोल सकते हो। अब हम स्टडी कर रहे हैं एसलरेटेड लिक्विड की, लिक्विड को एसलरेट करवाना है। कैसे एसलरेट होगा लिक्विड, फूंक देंगे तो थोड़ी होगा, क्या करेंगे, बाल्टी में लिक्विड भर दो, बाल्टी को ऐसे लेके भागो, जब ऐसे लेके भागो एसिलेट करोगे ना तो पानी पीछे आएगा, जब पानी पीछे आएगा बस। तो देखो सपोज ये फ्लास्क है, गिलास है, और घर पे बैठना तो ऐसा काम कर भी सकते हो, गिलास से पानी रखना, जब मम्मी पापा बैठे होंगे वहां पे गिलास को ऐसे करना, कहना कि हम सीख रहे हैं। तो जब गिलास को तुम ऐसे खींचोगे ना तो तुम देखना पानी उल्टा चढ़ेगा ऐसे, तो पानी उल्टा चढ़ेगा मतलब ये नीचे आएगा और ये पार्ट ऊपर जाएगा, तो पानी कुछ ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाता है, ठीक है, पानी है। पानी है, फ्लास्क है। ठीक, अब देखो ये कब होगा, जब लिक्विड इस डायरेक्शन में एसिलेट होगी, इधर एटमॉस्फियर है तो यहां का प्रेशर पी नॉट होगा। अब पी नॉट प्रेशर पता है गैस के हर पॉइंट पे ना, हर पॉइंट पे है, तो कि पूछे यहां कितना प्रेशर है तभी भी पी नॉट, यहां इसके सरफेस के हर पॉइंट पे प्रेशर पी नॉट होगा, सरफेस के हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, पी नॉट होगा। क्यों, अरे क्यों नहीं होगा, ऊपर हवा है, हवा 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 का प्रेशर हर जगह बराबर होता है, तो फिर इसके हर पॉइंट का प्रेशर क्या मानोगे, पी नॉट मानोगे, ठीक मान लो। अब बात आती है इस, अब एक काम करते हैं, इस पॉइंट पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट एक ये है, एक पॉइंट है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल। अब मुझे पता करना है अगर यहां का प्रेशर P1 है और यहां का प्रेशर P2 है तो P1 P2 में क्या रिलेशन है। अब हम बात इस पे करेंगे, अगर यहां का प्रेशर P1 है, यहां का P2 है, तो P1 P2 में क्या रिलेशन है, जबकि इसकी बीच की दूरी ये L है, ये L है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब की बार सेव नहीं होगा, स्टैटिक लिक्विड नहीं, तुम लेके भाग रहे हो, गुड ठीक है, लेकिन हमें तो एक चीज पता है कि एफबीडी तुम्हें जब मन करे तब बना सकते हो, घर पे वैसे ही फ्री बैठे हुए हैं तो एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी बनाते हैं। तो मैंने यहां पे एक लिक्विड उठाया और इतने पार्ट की एफबीडी, ये जो लिक्विड है ना, एल लेंथ की लिक्विड है, उसको अपने हाथ से पकड़ा, बाहर निकला, आ जाओ बाहर, आ गया बाहर,
बाहर आ गया। और ये क्रॉस सेक्शन ये ए के बराबर है, यहाँ का प्रेशर पी वन है, तो एबीडी बनाओगे तो इधर फोर्स क्या दिखाओगे, पी वन इंटू एरिया, एरिया बहुत कम है, स्मॉल एरिया है, और यहाँ का प्रेशर पी टू है तो फोर्स क्या दिखाओगे, पी टू इंटू ए। और फिर अब मोशन में एक्स का मोशन स्टडी करने जा रहा हूं, तो फिर वाई के फोर्स से कोई मतलब है क्या, क्यों, जब मैं इस रिलेशन की स्टडी कर रहा हूं तो फिर इस सरफेस पे इधर का फोर्स और इस सरफेस पे इधर का फोर्स वही दिखूंगा, ऊपर का फोर्स ऐसे आएगा, इसका ऐसे आएगा, क्या करेंगे जान के भाई। तो मैं अब मान लो ऋषित के हाथ में गिलास है और गिलास ऐसे लेके भाग रहा है, अब मैं ऐसे बैठा हूं और गिलास को देख रहा हूँ, अच्छा गिलास गुड, तो गिलास का जो पानी होगा वो पानी भी तो मुझे आगे भागता नजर आएगा, देखो ये क्या है, वाटर ऐसा पानी है, इसको ऐसे लेके भाग रहा हूँ, ऐसे अगर मैं इसको ऐसे लेके भाग रहा हूं तो तुमको दिख रहा है कि पानी आगे भाग रहा है, हाँ यार पानी तो आगे भाग रहा है, तुम क्या करोगे, अच्छा पानी आगे भाग रहा है गुड, तो पानी में एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेट हो रहा है तो पानी भी तो एक्सेलरेट हो रहा है, हाँ यार, तो तुम मुझे ये बताओ इसका जो एबीडी बनाया हो तो यही तो, ये भी तो पानी है, तो पानी भी एक्सेलरेट हो रहा है किधर, इस डायरेक्शन में, चलो न्यूटन का नियम लगाते हैं, एफ बराबर एम है, तो ये वाला फोर्स पी टू इंटू ये दिखाओगे, ये वाला फोर्स पी वन इंटू ये दिखाओगे, एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास, अगर मैं कहूँ कि लेंथ एल है लिक्विड डेंसिटी रो है तो मास क्या लिखोगे, रो इंटू इसका वॉल्यूम, तो लेंथ एल में एरिया मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ एल में एरिया मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा एल इंटू ए, दैट इज मास, मास इंटू इस फ्लास्क का एक्सेलरेशन दैट इज स्मॉल एल, अब ए से कट गया, ये क्या आ गया, पी टू बराबर इसको इधर भेजो, दिस इज पी वन प्लस एल रो इंटू ए, एल रो इंटू ए, अब देखो इसका मतलब पी टू ज्यादा आ गया, यहाँ का प्रेशर ज्यादा है कंपेयर टू दिस वन, कुछ खास दिमाग नहीं लगाया हो तो, और यही एक्सेलरेशन अगर जीरो होता, जीरो होता तो जीरो रखते तो जीरो गया, तो पी और पी टू, तो फिर वही बन गया कि सेम लेवल ऑफ प्रेशर सेम होता है, कोई बात नहीं, अब एक्सेलेट हो रही तो कोई क्या करे, लेकिन पता है कितना इंक्रीज किया, एल रो इंटू ए इंक्रीज किया है, मतलब यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर पी वन है तो पी वन में क्या जोड़ दो, पी वन में एल रो ए जोड़ दो, आ गया यहाँ का प्रेशर पी टू, तो पी वन प्लस एल रो ए बराबर यहाँ का प्रेशर पी टू आ गया, ठीक है। अब देखो लेकिन तुम मुझे बताओ क्या बार बार ऐसे ही काम करते रहेंगे क्या, ना इसके लिए नहीं बने, क्या करेंगे, अब इसी को रटने का तरीका है, लर्न ये तरीका है, क्या करेंगे, ये जो फ्लास्क है ना, फ्लास्क पे एक्सेलरेट हो रहा था आगे की ओर ऐसे, तो फ्लास्क पे तुम खड़े हो जाओ, फ्लास्क पे तुम खड़े हो गए, तुम नहीं खड़ोगे अपने आत्मा को खड़ा करा दो इस पे, खड़ा हो गया, अब तुम इस पर अगर खड़े हो तो तुमको फ्लास्क क्या दिखेगा, रुका हुआ, हाँ यार फ्लास्क तो रुक गया, अब पानी भी रुकी हुई है, पानी भी रुकी हुई है, क्लोरियम पे है पानी, यानी कि छलक नहीं रहा है ऐसे, रुका हुआ पानी भी रुका हुआ नजर आ रहा है, अच्छा मैं भी रुका हूँ गुड, ये तो लिक्विड मुझे रुका हुआ नजर आ रहा, अच्छा स्टैटिक लिक्विड है गुड, स्टैटिक लिक्विड है, स्टैटिक लिक्विड का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट अब यूज करेंगे याद करने के लिए, देखो कैसे, अगर इस पे खड़े रहोगे तो सूडो एक्सेलरेशन किधर दिखाओगे, अगर इसका एक्सेलरेशन ये इधर है तो सूडो एक्सेलरेशन उल्टा हो जाएगा, तुम कहोगे हाँ यार सूडो एक्सेलरेशन उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं गुड, ये है पी वन, ये है पी टू, तो ये था पी वन, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर क्या है पी टू है, अब बीस की दूरी क्या है एल है, ये पी वन ये पी टू, बीस की दूरी एल है, तो जिस तरीके से तुम कहते हो कि जी के डायरेक्शन जाने प्रेशर बढ़ता है, लाइन सुनना, जी के डायरेक्शन जाने प्रेशर बढ़ता है, वैसे ही सूडो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन जाने में प्रेशर बढ़ता है, बढ़ना बढ़ना बार बार बढ़ना आ रहा है, मतलब ये पी वन है ये पी टू है ये इधर है सूडो एक्सेलरेशन, तो इधर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, हाँ यार पी टू का ज्यादा होना चाहिए गुड, ज्यादा है भी, और कितना ज्यादा होना चाहिए, तो वहां पे ज्यादा वाला लिखते हो ना एच रो जी, नीचे को एच रो जी, तो एच क्या होता है, वो दो पॉइंट के बीच की दूरी होती है एच, जी नीचे का एक्सेलरेशन होता है, तो एच की जगह पे अबकी बार एल कर देंगे, तो बन गया एल, रो तो लिक्विड वही है तो वही रहेगा, और जी की जगह पे
ए, क्योंकि अब की बार जी वाला काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, लगा दो ए, एल रोए, देखो एल रोए। ठीक है, तो अब कैसे याद करेंगे, वैसे ही ऐसे याद करेंगे, यहाँ का प्रेशर P1 है, गुड, और सुडो एसएस में जा रहा हूँ, हाँ प्रेशर इंक्रीज करेगा, कितना, एच रो जी, और एच की जगह पे एल, एल रो इनटू जी की जगह पे ए आ गया यहाँ पे, एंड दैट इज P2, तो P1 + L ρ a = P2, गुड। तो अब यही याद रखेंगे, नहीं बस क्या करेंगे, बस एच रो जी का टर्म याद रखेंगे, एच उस डायरेक्शन का लेंथ हो जाएगा, सुडो वाले डायरेक्शन का, और जी का रोल एक्सेलरेशन, जी भी एक्सेलरेशन, जो भी एक्सेलरेशन, रिप्लेस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, बस इसको ध्यान रखेंगे। तो तुम क्या करोगे, इसमें कुछ चीजें रट लेंगे, रटना हमेशा गलत नहीं होता है, क्योंकि अभी क्वेश्चन तो डिफिकल्ट बनेंगे, तो तुम्हें लगेगा कि ये ठीक मेथड है, तो ये ऐसे याद करना। तो तुम क्या करोगे, P1 + देखो लिख रहा हूँ, P1 + H की जगह पे L, L रो इनटू G की जगह पे A आ गया यहाँ पे, बन गया P2, अब ऐसे याद रखना, तो इसे तुम कॉपी कर लो और लिखो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिखो, इन डायरेक्शन ऑफ सूडो एक्सेलरेशन, इन डायरेक्शन ऑफ सूडो एक्सेलरेशन प्रेशर इंक्रीजेस बाय, इन डायरेक्शन ऑफ सूडो एक्सेलरेशन प्रेशर इंक्रीजेस बाय, प्रेशर इंक्रीजेस बस, इन डायरेक्शन ऑफ सूडो, सूडो अंडरलाइन है, सूडो अंडरलाइन है, सूडो फोर्स नहीं है, सूडो एक्सेलरेशन है, इन डायरेक्शन ऑफ सूडो एक्सेलरेशन प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, एक से तुम इसे याद करो। सेकेंड, अच्छा ये जो सरफेस है ना, एक और बात करते हैं, कुछ चीजें और इसमें, जैसे कि इसमें ये पूछता है कि इसको अगर मैं पीछे बढ़ा दूं ऐसे, ये वाला एंगल थीटा कितना है, इस एंगल को थीटा बताइए कितना आएगा। तो मान लो ये दूरी L के बराबर है पूरा, ये दूरी मान लो H के बराबर है, मान लिया H के बराबर है, H के बराबर है, तो बताओ यहां का प्रेशर क्या है, और अब मैं इस पे खड़ा हो गया, इस पे खड़ा हो गया, तो सूडो एक्सेलरेशन क्या दिखाओगे, उल्टा, तो इसको मैं हटा दूं, हटा दूं, अब सूडो एक्सेलरेशन मैंने उल्टा दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया, अच्छा यहां का प्रेशर क्या है, P0, क्यों, हवा ऊपर है तो P0, गुड, अच्छा जब मैं इधर जाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, क्यों, सूडो एक्सेलरेशन, कितना बढ़ेगा, एच रो जी, और एच की जगह पे एल, एल रो और जी की जगह पे ए, गुड, आ गया यहां का प्रेशर, अब ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा, क्यों, जी नीचे है ना, ऊपर प्रेशर घटेगा, हाँ घटेगा, जी के उल्टा चल रहा है, कितना घटेगा, माइनस एच रो इनटू जी, इतना प्रेशर घटेगा, घट के आके टॉप पे, आके टॉप पे ना, यहाँ का प्रेशर P0 ही होगा, क्यों, फिर इस पे आ गए, इसके तो हर पॉइंट का प्रेशर बराबर था ना, अच्छा जी गुड, P0 से P0 कट गया, रो से रो कटेगा, यहां से क्या बनेगा, एल इंटू ए बराबर एच इंटू जी, यहां से मैं पूछूं एच अपान एल कितना आएगा, इट इज ए अपान जी, इसको इधर भेज दो, एच अपान एल बराबर ए अपान जी, अच्छा एच अपान एल क्या है, एच ए एल है, एच अपान एल क्या होगा, टेन थीटा, दिस इज टेन थीटा, तो टेन थीटा इज ए अपान जी, तो ये जो फ्री सरफेस है, लिक्विड की फ्री सरफेस, वो हॉरिजॉन्टल से ए अपान जी एंगल बनाएगा। ओके, एक भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है याद करने के लिए, जेई मेंस में फ्रीक्वेंटली यूज होता है, टेन थीटा फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाया, तो ये अपन जी, अब मेथड तुम्हें याद आई है। एक और इंपॉर्टेंट बात देखना, थोड़ा सूडो एक्सेलरेशन की बात करते हैं, मुझे बताओ अगर तुम इस पे खड़े हो और यहां पे एक पार्टिकल कैविटी बनाओ, पार्टिकल कैविटी बनाओ, पार्टिकल की,
इस पार्टिकल की एवरी बनाओगे, अगर इस पार्टिकल का मास मान लो डीएम है, तो सूडो फोर्स ऐसे लगेगा डीएम इंटू ए। दूसरा इसका वेट किधर होगा, डीएम मास है तो डीएम इंटू जी आएगा। अब तुम मुझे ये बताओ, ये पार्टिकल और ये सरफेस है, तो ये सरफेस ना एक एन ऐसे लगाएगा, एक एन ऐसे लगाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन है। जो बाकी लिक्विड के पार्टिकल इसके ऊपर जब ये नीचे आना चाहेगा, धक्का ऊपर कर मार रहा है ना, ये वाला एंगल थीटा है। से की बात आओ, इस फोर्स का इधर कंपोनेंट और इस फोर्स का इधर कंपोनेंट निकालो, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या बनेगा, डी एम ए कॉस थीटा बनेगा, और डी एम का ये वाला कंपोनेंट, ये वाला एंगल क्या आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा, ये पूरा 90 है ना, तो 90 माइनस थीटा, ये बनेगा माइनस डी एम जी कॉस ऑफ 90 थीटा, इट इज साइन थीटा। आ गया ये नेट फोर्स, आ गया ये वैल्यू निकालो तो कितना आएगा, डीएम बाहर निकाल लो और यहां से कॉस्ट भी बाहर निकाल लो, डीएम कॉस्ट बाहर निकाल लो, तो बनेगा ए माइनस डीएम जी बचेगा, अब कॉस्ट बाहर आएगा तो इस टेन टा बन जाएगा ना, टेन थीटा बन जाएगा, और टेन टा कितना होता है, ए अपॉन जी है, तो यहाँ पे ए अपॉन जी रख दो, ये सही तो जीरो आ गया। इसका मतलब कि ए और जी का जो रिजल्टेंट है इस सरफेस के पैरेलल, वो जीरो है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, लिक्विड के फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, फ्री अंडरलाइन है, फ्री का मतलब जो एयर के साथ बाउंड्री बना रही है वो फ्री सरफेस, तो फ्री सरफेस पे जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो हमेशा फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, इस डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा। तो ये भी एक अलग से स्टेटमेंट तुम याद रखोगे, अगर ये तुमको मैं अलग से लिखवा देता, कहता कि अच्छा इसको हम लोग बोलते हैं, ज्यादा बेटर वर्ड है, कि लिक्विड के पार्टिकल पे जो नेट फोर्स होता है पैरेलल टू द सरफेस वो जीरो होता है, इधर और इधर का नेट कंपोनेंट जीरो होता है। नेट अगर कोई फोर्स आएगा भी तो परपेंडिकुलर आएगा, जो कि एन के थ्रू बैलेंस हो जाएगा, बट लिक्विड के सरफेस के पैरेलल तो हमेशा जीरो आएगा। तो उसी को पहले लिखो इस लाइन को स्टेटमेंट की तरह से, नोट करो, तो फोर्स पैरेलल टू द लिक्विड सरफेस, स्टेटमेंट है फोर्स पैरेलल टू द लिक्विड सरफेस, बहुत यूज होता है, फोर्स पैरेलल टू द लिक्विड सरफेस विल बी जीरो। दिस मींस नेट एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, नेट एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास ग्लास का लिक्विड लिखो, नेट एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड नेट एक्सेलरेशन, गलत वर्ड जा रहा भाई, नेट एक्सेलरेशन तो वैसे भी जीरो है, पूरा पूरा लिक्विड रुकी हुई है तो जीरो है, उससे कुछ मिलेगा नहीं लेकिन बोलने से, एक वर्ड लिखो फिर लिखो, अभी बता दूंगा कि इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ जी इफेक्टिव, वर्ड लिखना, डायरेक्शन ऑफ जी इफेक्टिव विल ऑलवेज पैरेलल टू, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, डायरेक्शन ऑफ जी इफेक्टिव, डायरेक्शन ऑफ जी इफेक्टिव इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, डायरेक्शन ऑफ जी इफेक्टिव, डायरेक्शन ऑफ जी इफेक्टिव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। आप देखो भी समझ में आएगा, ये फ्री सरफेस है तो इस पॉइंट पे जी इफेक्टिव जी ऐसे दिखाओगे और सूडो एक्सेलरेशन ऐसे दिखाओगे, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस सरफेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस साइन का मतलब ये है। तो मुझे बताओ ये तो एंगल थीटा है, क्यों, क्योंकि ये एंगल थीटा था तो ये भी थीटा होगा, ये क्या होगा ना, ये 90 है ना, परपेंडिकुलर है तो बनेगा 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बनेगा, थीटा बन गया थीटा। इस ट्रेंगल में लिख सकता हूं
टेन थीटा इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, ये लेंथ ए के बराबर है, ये जी के बराबर है, आ गया ए अपॉन जी, देखो वही है। मतलब अगर ये कॉन्सेप्ट मुझे पता है तो ये कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इसे कॉपी कर लेना इसमें कि डायरेक्शन ऑफ जी इफेक्टिव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के परपेंडिकुलर होता है जी इफेक्टिव का डायरेक्शन। और जी ऐसे दिखाओगे और सूड ऐसे, ये ऐसे दिखाओगे, रिजल्टेंट इस फ्री सरफेस से परपेंडिकुलर दिखाओगे। देन थीटा एंड थीटा थीटा देन टेन थीटा इज दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, दिस इज ए एंड दिस इज जी, इसलिए ठीक है। ओके तो तुम इसको कॉपी कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। और एक चीज और, इसको लिख लेना तुम अलग से, इसको क्या लिखना है सुनो, इस डायग्राम को भी अलग से बना लेना, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि तुम्हें इसमें इससे नहीं, इस डायग्राम को अलग से बना लेना, लिखना इसको टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर एसलेट इधर हो रहा है अपना एसलेट इधर हो रहा है तो टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज ए अपॉन जी, बड़े ध्यान रखना ये तभी लगा सर आप देना, म्यूटेड हैं अंडर सेम सर, लिखना एक बार, म्यूटेड सर। टेन थीटा बोलो ए अपॉन जी होती है, यूज इन यूज इन सेम लिक्विड, सर म्यूट है सर, आप म्यूट हैं। यूज इन सेम लिक्विड मतलब थ्रू आउट द लिक्विड सेम होनी चाहिए, पूरी लिक्विड सेम होनी चाहिए, ये तुम यूज कर सकते हो। तो तुम इसे भी लगा सकते हो, मतलब इसको ऐसे बेटर है ना, तो रुको इसे लिखेंगे हम यहाँ पे, ऑल लिक्विड क्यों, मतलब हर जगह लिक्विड एक ही होनी चाहिए, एवरीवेयर लिक्विड आर सेम, एवरीवेयर लिक्विड आर सेम, हर जगह लिक्विड एक ही होना चाहिए, एक ही डेंसिटी होनी चाहिए, नहीं कि अलग अलग डेंसिटी की हो, मतलब इसमें लगा सकते हो। और ऐसा भी अगर हो ना कहीं इस तरीके से है, इसमें ऐसे है, अब अगर इसमें पानी भरा ना इसको, अगर ऐसे लेकर भागोगे तो लिक्विड उल्टा भागेगा, अगर ऐसे लेके भागोगे तो लिक्विड उल्टा भागेगा ऐसे, तो लिक्विड ऐसे आ गया ऐसे। तो ये इस वाले एंड को, इस वाले एंड को आपस मिला दो, ऐसे मिला दो, मिला दिया। अब ये जो एंगल है ना, दिस एंगल, ये वाला एंगल थीटा, अगर लिक्विड इधर एक्सेलरेट करा रहे हो तो ये अगेन यही फॉर्मूला बनेगा, एकदम यही बनेगा, सेम बनता है, बस अर्थ ये लिक्विड सेम होना चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें ध्यान रखना है, कि कोई पूछे कि लिक्विड को एक्सेलरेट कराओ, लिक्विड ऊपर को सरफेस आ गया तो कितना एंगल आएगा, देन टेन थीटा इज ए अपॉन जी, ए अपॉन जी। तो इस, मैंने तुमको एक्सेलरेट लिक्विड में दो पॉइंट बताया, एक कि एंगल क्या बनाएगा फ्री सरफेस, और एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स है तुम्हें बता दो, पता है इस तरीके से ये है, इसके हर पॉइंट का प्रेशर बराबर है, वैसे ही अगर इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, पैरेलल लाइन ऐसे, तो इसका प्रेशर ये सब आपस में बराबर आएगा, बट ये इसके पैरेलल होना चाहिए, ये बराबर होगा, और ये और नेट एक्सेलरेशन जो जी इफेक्टिव है ये इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, तो जी इफेक्टिव के डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा बट परपेंडिकुलर प्रेशर सेम रहेगा। जैसे धरती पे क्या होता है, जब एक्सेलरेट नहीं होता तुम कहते हो ना कि यहाँ प्रेशर वही प्रेशर यहाँ पे, क्यों, जी ऐसे होता है तो परपेंडिकुलर है ना, तो प्रेशर चेंज नहीं होगा, वैसे यहाँ पे जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर प्रेशर चेंज नहीं होता है, बस हम इनको बोलते हैं आइसोबेरिक सर, इसमें जी सरफेस, इफेक्टिव इनको बोलते हैं, इन सरफेस को बोलते हैं आइसोबेरिक सरफेस, आइसोबारिक मतलब प्रेशर इन इन पॉइंट पे सेम है, इनका प्रेशर सेम है तो ये आइसोबारिक सरफेस है, इसका प्रेशर P1 है, इसका P2 है, कोई बात नहीं, बट ये सरफेस आइसोबारिक कहलाएगी क्योंकि इसके हर पॉइंट का प्रेशर सेम है, तो इस ऐसा सरफेस बनेगा हर पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, तो आइसोबारिक सरफेस, ऊपर हर पॉइंट का प्रेशर सेम, आइसोबारिक है, इसका इससे अलग है कोई मतलब नहीं। तो तुम्हें स्पेशली इसे याद करना है,
और इसे याद करने का मन करे तो कर ले। अब इसका एक एप्लीकेशन बताता हूँ। क्वेश्चन ऐसे होता है, यही है। अच्छा, किसी को अगर जल्दी सिलेबस खत्म करने का मन कर रहा हो तो यूट्यूब पे तुम्हें स्ट्रिंग वेव का वीडियो कंप्लीट है, साउंड वेव का वीडियो कंप्लीट है, ठीक है, इसे कंप्लीट करके देख लो। ये सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। ग्रेविटेशन का वीडियो कंप्लीट है सर, लाइव पढ़ाएंगे सर बाद में? सर क्या? लाइव क्लास नहीं पढ़ाएंगे कि सर वही वीडियो भेजेंगे नहीं, सर? मैं लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें अलग से पढ़ने का मन करे तब की बात कर रहा हूँ। ओके सर। लाइव क्लास जरूर पढ़ाऊंगा। ये ठीक है, इसमें क्या है कि ये हाइट दिया गया, सपोज करो 10 सेंटीमीटर, और इसको तुमने एक्सेलरेट करा दिया ए से, गुड। और ये हाइट दिया गया सपोज करो 4 सेंटीमीटर, तो मैं चाहता हूं कि इसको कितना एक्सेलरेशन दूं ताकि पानी गिलास से बाहर गिर जाए, खूब तेज पानी। तो मिनिमम एक्सेलरेशन फाइंड ए मिनिमम सो दैट लिक्विड इज जस्ट एबल टू आउट, जस्ट बाहर निकलने में समर्थ हो सके। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? कुछ नहीं। अच्छा, ये वाला लेंथ दिया गया, सपोज करो अलग से दिया गया, दिस इज 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। अब सॉल्व करता हूँ, देखना क्या करेंगे। इस डायग्राम को ऐसे बनाएंगे। अब इस एंड को ऊपर जाना है तो ये एंड नीचे आएगा, ध्यान रखना। तो ये 10 सेंटीमीटर की लाइन थी ऐसे, ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है ये वाली, तो ये वाला ऊपर जाएगा तो यहां तक जाना है, तो ये वाला मैंने ऐसे दिखा दिया इस तरीके से, ये बन गया। तो ये लिक्विड अब की बारी बन गई, ये बन गया। अब ऐसा होना चाहिए। अब देखो ये वाली हाइट, और एक और बात, जितना इसके ऊपर हाइट जाता है ना इतना ये नीचे भी आता है वॉल्यूम कंजर्वेशन से। कैसे? देखो भाई, ये मान लो, और ये बीच में जाएगा, क्यों जाएगा बीच? क्वेश्चन है, इसलिए बीच में जाएगा क्योंकि ये वाला एंगल थीटा, इसको आगे की ओर बढ़ाता, ये वाला एंगल थीटा है वही जो पहले थीटा था, थीटा एंगल। अब क्या होगा, ये लेंथ सपोज करो, ये लेंथ मान लो एक्स है, अच्छा यहां से एक एंड ऐसे मिला दो, इसको नहीं मिला दिया। मुझे अभी प्रूफ करना है, कैलकुलेशन कर लेते हैं सिंपल सा। ये मान लो एक्स के बराबर है, एक्स वन है, तो इसको भी मैं क्या मान लो, इसको मैंने एक्स टू बोल दिया, बोल दिया। इसको अगर मैं वाई टू बोला तो इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने वाई वन बोला, वाई वन बोल दिया। अच्छा तुम मुझे बताओ, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल क्या सिमिलर ट्रायंगल है? हाँ, क्यों? क्योंकि ये एंगल आपस में बराबर है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी एंगल बराबर होगा, ये तो सिमिलर ट्रायंगल बन गया। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो क्या लिखोगे? एक्स टू अपॉन एक्स वन बराबर वाई टू अपॉन वाई वन, पहला इक्वेशन तो ये लिखोगे। वॉल्यूम कंजर्वेशन, ये जो लिक्विड है इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम बराबर होगा, क्यों? क्योंकि पहले लिक्विड हॉरिजेंटल थी ना, हॉरिजेंटल थी ना, तो जितना इस टेन के ऊपर जाएगा पानी उतना ही तो पानी इस टेन के घर का नीचे आएगा, वही तो पानी ऊपर को गया है, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाते हैं। अगर मैं कहूं कि ये लेंथ मान लो एल के बराबर है, जो फ्लास्क है उसका ये लेंथ एल के बराबर है, ये लेंथ एल के बराबर है,
तो वॉल्यूम क्या होगा, इस पानी का जो वॉल्यूम होगा, इस पानी का वॉल्यूम होगा इस एरिया में, इस एरिया में इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। ट्रायंगुलर शेप का ऐसे है कि पूछे पानी का वॉल्यूम क्या होगा, दिस एरिया मल्टीप्लाई बाय ये वाला लेंथ। तो क्या लिखोगे, एक्स वन इंटू वाई वन। x1 into y1 into ये वाला लेंथ l बराबर x2 into y2 into अगेन लेंथ l। इसी क्वेश्चन क्या प्रूफ हो गया, x1 y1 बराबर x2 y2 बोला। तो मान लो वॉल्यूम कंजर्वेशन होगा, कोई कहे कि इसका ये सिलेंडर, ये पूरा सिलेंडर इसका वॉल्यूम बताइए, क्या करोगे, इस एरिया में इससे मल्टीप्लाई कर देते हो। वही है कि ये जो है ये इसका एरिया निकालना, ये वाला वॉल्यूम निकालना, ये वॉल्यूम लिक्विड ऐसे है ना, इस तरीके से ना, ये पूरा लिक्विड यहाँ से यहाँ तक जगह हुआ, ये पूछे इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम। योर वॉइस इज ब्रेकिंग सर। पूरी कोई पूछे इसका वॉल्यूम कितना होगा, क्या करोगे, एक्स वन इंटू वाई वन एरिया बनेगा, इस एरिया को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, क्या वॉल्यूम नहीं आ जाएगा। अच्छा अगर मान लो ऐसा होता, सुनना, कोई पूछे किसका वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, ये एरिया निकालो इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं आ जाएगा। हेलो यस सर। तो वही मैंने क्या किया, ये एरिया क्या आएगा, एक्स वन इंटू वाई वन इंटू एल, ये वॉल्यूम बन गया इस पानी का, इस पानी का वॉल्यूम क्या बनेगा, एक्स टू इंटू वाई टू इंटू एल, ये यहाँ के पानी का वॉल्यूम बन गया, और यही पानी ऊपर गया हुआ है तो वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा दिया। डाउट है यार, ये वाला एरिया बताओ कितना है, ये वाला एरिया कितना है, एक्स टू इंटू वाई टू, और इसका भी तो लेंथ एल ही है भाई, ऐसा है लेंथ एल, एरिया एक्स टू इंटू वाई टू इंटू एल बन गया वॉल्यूम, बताओ। यस सर आ गया सर आ गया। अब मैंने क्या किया, यहां से एक्स वन निकाला, इस एक्स वन को उठा के यहां पर रख दिया, यहां पर रख दिया, तो मैंने कहा एक्स टू अपान एक्स वन की जगह पे क्या लिखोगे, यहां पे एक्स वन पे एक्स टू वाई टू अपान वाई वन, वाई वन यहां भेज दो, एक्स टू वाई टू अपान वाई वन यहां रख दो, एक्स टू अपान एक्स टू वाई टू अपान वाई वन, फिर ये वाई टू अपान वाई वन कर दिया, यहां से एक्स टू कट गया, इसके भेज दो वाई वन का स्क्वायर बराबर वाई टू का स्क्वायर, इससे प्रूफ क्या हो गया, वाई वन बराबर वाई टू, अब वाई वन अगर वाई टू बराबर हो गया तो एक्स वन एक्स टू बराबर आ गया, आ गया प्रूफ। मतलब ये लेंथ, ये एक्स वन था ना, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, और साथ में ए भी आपस बराबर होगा, तो इसको प्रूफ अब नहीं करना, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंटली यूज क्वेश्चन में होता है कि अगर इसमें तुमने पानी रखा है और एक्सेलरेट करा रहे हो तो ये एंड जितना ऊपर जाएगा ये एंड उतना ही नीचे आता है, ये याद करना है तुम्हें, तो इसको लिख लो स्टेटमेंट की तरफ से, इफ अ लिक्विड इन अ फ्लास्क इज एक्सेलरेटेड, if a liquid in a flask is accelerated then if one end rise by h distance other end decreases by h distance, other end decreases by h distance, jitna ye rise karega utna ye dip karega, ye tumhe dhyan rakhna, और इसको हम बार बार प्रूफ नहीं करेंगे कि इतना टाइम क्या हमारे पास प्रूफ करने का, तो कुछ चीजें इसीलिए याद रखा जाता है ताकि हम कैलकुलेशन जल्दी कर लें, इन चीजों को हम इसीलिए याद रखेंगे। तो देखो अब कह रहा था ना, अब क्वेश्चन सॉल्व करते, अब इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा, जस्ट एबल टू आउट, ये वाला एंड ऊपर जाना है, तो अगर ये 4 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो 4 सेंटीमीटर नीचे आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, तब ये पानी ऐसा बन जाएगा इस तरीके से, तो ये बॉटम ये 10 और ये 4 है, तो टोटल क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, ये लिक्विड है, और अगर ये 4 सेंटीमीटर ऊपर गया
तो ये एंड चार और ही आएगा ना, तो क्या बच जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर बस बचा रहेगा। तो लिक्विड में ऐसे दिखेगी, ये एंड चार ऊपर गया तो ये एंड चार नीचे आएगा, तो इसमें कितना बचेगा 6 बचेगा और ये 14 बचेगा। अब देखना ये वाला एंगल थीटा है। अब तुम मुझे ये बताओ, और ये लेंथ कितना था 10 सेंटीमीटर था, तो इस ट्रेंगल में मैं टेन थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं, टेन थीटा इक्वल्स टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो ये लेंथ 14, ये 6, तो घटा दो तो 14 माइनस 6 एंड डिवाइड बाई ये 10 सेंटीमीटर है, लिख दो 10, देखो 10 टाइम्स दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, और ये 10 होता कितना है a अपॉन g, इट इज a अपॉन g, तो ये कितना आ गया 8 आ गया, 8.8 इक्वल्स टू a अपॉन g, व्हाट इज a, इट इज 0.8 g मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड दिस इज आंसर। तो इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रेजोल्यूशन दे दोगे तो लिक्विड इससे जस्ट बाहर निकलने की कोशिश करेगा। एक स्केल एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ऐसे देता है ऐसे बना देगा। और ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक व्हील है, लैंग्वेज इसको उतना क्लियर नहीं होता इसलिए बता दे रहा हूं, एक व्हील है इसमें पानी भरा था। अब व्हील को तुम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा रहे हो ए से, मतलब एक्सेलरेशन व्हील का, ये इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ व्हील WHEL, सेंटर ऑफ व्हील मतलब व्हील का जो सेंटर है वो एक एक्सेलरेशन से आगे कर भाग रहा है। तो इसमें जो लिक्विड होगी ना, इसमें जो लिक्विड होगी, ये लिक्विड नीचे आएगा ऊपर लिक्विड बढ़ेगी, ऐसे बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन पूछता है कि अगर इस ए की वैल्यू, इफ ए इज इक्वल टू जी बाई टू, तो ये जो ये हाइट है, ये वाला हाइट मान लो एच है, और ये 20 की दूरी है सपोज करो 5 सेंटीमीटर, तो पूछता है देन फाइंड एच, एच की वैल्यू बताइए, तो वो क्या करेंगे सेम वर्क फिर से, ये इक्विलिब्रियम पे ऐसे पड़ा हुआ तो हम ऐसे दिखाएंगे, इस एंड को इससे मिला देंगे, क्यों ये लिक्विड सेम है, ध्यान रखना एकदम लिक्विड सेम है, तो ये एंगल थीटा देन टेन थीटा इज, देन टेन थीटा इज एच अपान, एच अपान ये लेंथ, ये लेंथ क्या 5 है ना, तो 5, और टेन का होता कितना है, इट इज ए अपान जी, तो ए की जगह पे क्या लिखोगे जी बाई टू डिवाइड बाई जी, इट इज 1/2, तो यहां से एच की वैल्यू क्या आएगी इसके इधर भेज दो 5/2, लेकिन हाँ गलत कर गया मैं, गलती क्या किया बताता हूँ, इसीलिए बता रहा था, गलती ये किया, लिक्विड का एक्सेलरेशन चाहिए ना, ये प्योरली परफॉर्म कर रहा है, प्योर रोलिंग है, तो ये सेंटर का एक्सेलरेशन अगर ए है तो इसका जो टॉप पॉइंट है ना इसका एक्सेलरेशन 2a होता है, जैसे प्योर रोलिंग मोशन में क्या होता है सेंटर वेलोसिटी v है तो टॉप की वेलोसिटी 2b होती है, तो अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका 2a होगा। तो ध्यान रखना, तो इस व्हील को हम यहां बनाएंगे एवीडी में, यहां का एक्सेलरेशन a दिखाएंगे तो यहां का 2a दिखाएंगे, और ये जो फ्लास्क है ना ये यहां पे लगा हुआ है, फ्लास्क यहां पे लगा हुआ है, तो जो फ्लास्क का एक्सेलरेशन है, फ्लास्क का जो एक्सेलरेशन वो 2a है ना कि a, तो ये क्या होगा 10 डॉलर ए अपान जी होता है, एक अब 2a प्लेस होगा तो 2a अपान जी, अब 2 अपान जी और a की वैल्यू कितनी है जी बाई टू, जी बाई टू इट इज 1, देन h क्या गया इट इज अगेन 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज आंसर, 5 सेंटीमीटर इसमें एरेज कर जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये है सर पेज रिवर्स कर दीजिए सर, देखो देखो ये है सर एक मिनट, देखो इसमें दो तरह की लिक्विड है, फिर यहाँ पे क्रॉस रख गया,
इस लिक्विड की डेंसिटी रो वन है, इसकी डेंसिटी रो टू है, और इसकी हाइट एच है, और एकदम ये लेवल ना सेम तक है, सेम लेवल में मान लिया। अब मैं इस पूरे फ्लास्क को मैं इधर एक्सेलरेट कर रहा हूँ जी बाई टू से, जी बाई टू से, और ये दूरी टू एच के बराबर है। तो पूछ रहा है कि इस डेंसिटी का रेशियो बताइए कितना होगा। तो क्या करते हैं इसमें हम लोग, फ्लास्क पे खड़े हो जाते हैं। अब नहीं लगा सकते टेट्रा ए बाई जी, क्यों? लिक्विड अलग अलग है। तब बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, इस पे खड़े हो जाएंगे, सूडो एसिडस का उल्टा दिखाना है इसे। ये जी बाई टू है ना, इधर है तो इधर दिखाना जी बाई टू का, और एक जी तो नीचे ही रहेगा ऐसे। अब क्या करेंगे, सुनते रहेंगे। यहां का प्रेशर पी नॉट है तो फिर वैसे ही बढ़ेंगे, पी नॉट प्लस एच रो जी, फिर ऐसे फिर ऐसे। तो यहां का प्रेशर पी नॉट है तो मैं लिखूंगा पी नॉट। अच्छा, नीचे आने पर प्रेशर इंक्रीज करेगा, हाँ, क्योंकि जी के डायरेक्शन में जा रहा है, प्रेशर इंक्रीज करेगा। कितना? एच रो जी। लिखोगे एच रो वन इंटू जी, मिल गया यहां का प्रेशर। अच्छा, यहां का प्रेशर मिल गया, फिर जब ऐसे बढ़ोगे ना ऐसे, तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, क्यों? जी बाई टू के डायरेक्शन में जा रहा है। अगर तुम यहां से यहां भी आओगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, फिर यहां से यहां, फिर यहां, फिर ऐसे जाओगे ना, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। एक लिख ही लो, तुम्हारी मर्जी, लिख लो, मान लो ये अपने मन से वाई है जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां का प्रेशर तुमने लिख लिया एच रो वन जी, फिर यहां पाओगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, कितना? वाई रो टू जी, रो टू, डेंसिटी रो टू होगा ना यहाँ का। फिर मिल गया यहाँ पे, यहां से यहां जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, क्यों? जी बाई टू के डायरेक्शन में जा रहा है, तो कितना इंक्रीज करेगा? प्लस, ये दूरी कितनी है? 2h है, तो क्या लिखोगे? 2h, h रो टू इंटू जी, h रो टू इंटू जी, यहां पे आ गया। फिर यहां से यहां जाओगे तो प्रेशर ड्रॉप करेगा, अब जी के उल्टा जा रहा हूं, जी के उल्टा जा रहा है तो प्रेशर ड्रॉप करेगा, और यहां पे लिखेंगे जी बाई टू। क्यों जी बाई टू लिखा? सूडो एसिडेशन जी बाई टू है ना, तो इधर प्रेशर इंक्रीज किया तो एच रो जी बाई टू। अब ऊपर प्रेशर घटेगा तो क्या लिखोगे? माइनस, ये हाइट क्या है? ये जो हाइट है वो ये एच है, ये वाई है, तो तुम लिखोगे इसको एच प्लस वाई। और ऊपर जा रहा हो तो प्रेशर घट रहा है तो एच रो की जगह पे रो टू इंटू जी आ गया यहां पे, तो यहां का प्रेशर क्या है? पी नॉट, पी नॉट से पी नॉट घट गया। अब यहां से जी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से क्या बनेगा? एच रो वन। देखो y रो टू, इस y रो टू माइनस साइन लगा हुआ ना, इसे कट कर देगा तो बन गया h रो वन, फिर यहां से बना h प्लस h रो टू बना, यहां से क्या गया? माइनस h रो टू बना इक्वल टू जीरो, कोई बात नहीं, ये कैंसिल आउट हो गया। यहां से h की वैल्यू क्या आ गई? रो वन की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। दिस रो वन इज जीरो, मतलब ये लिक्विड, ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी जीरो केस हो जाएगी, ठीक? तो रो वन जीरो आ गया, ठीक है। तो रो वन अपन रो टू की वैल्यू क्या आ गई? आंसर है जीरो। इसका मतलब ऊपर लिक्विड नहीं होगी तभी भी ये ऐसे ही लगा रहेगा। अभी तुमको समझ में आएगा, देखो कैसे समझ में आएगा, इसको चेक कर लेते हैं ना। अब इसका मतलब लिक्विड ही नहीं, हवा है, तो ये फ्री सरफेस, ये फ्री सरफेस हुआ, तो ये जो एंगल होना चाहिए, ये एंगल जो होना चाहिए, अब वो फॉर्मूला होल्ड करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हवा आ गया। तो टेन थीटा क्या होता है? ए बाई जी। ये क्या है? जी बाई टू है, ए अपान जी, ये वन अपान टू आ गया। देखो टेन थीटा वन अपान टू है, देखो ये हाइट एच है तो ये एच होगा, और ये टू एच है, टू एच है, होल्ड करके टेन थीटा इज एच अपान टू एच आ गया, होल्ड करके सही है, तो कंफर्म है। ये क्या होना चाहिए था? ए आर होना चाहिए था। तो जब भी ऐसे डिफरेंट लिक्विड आएगी तो तुम अटेम्प्ट ऐसे ही करना, मेरा जीरो आ गया, बट तुम्हारा जरूर नहीं किया है, अटेम्प्ट करेंगे ये तरीका। ओके, अभी हमने बेसिक क्वेश्चन सीखा है एसिड लिक्विड का, कल और अच्छे क्वेश्चन सीखेंगे इसका, ठीक है।